वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रियलमी का फ़ोन आया हुआ जो डेड कंडीशन में, यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसका पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, ये पूरी तरीके से डेड है। तो यहाँ पे मैं इसे चार्जिंग एम्पेयर मशीन में इसे प्लगिंग करके चार्जिंग को देखते हैं ये क्या कंडीशन है, चार्जिंग उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैंने चार्जिंग प्लगिंग किया, ये एम्पेयर मशीन में कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है, ये फ़ोन पूरी तरीके से डेड है। तो डेड फ़ोन को किस तरह रिपेयरिंग करना है इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। आप लोग के शॉप पे भी डेली ऐसे मोबाइल आते रहेंगे रिपेयरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली इस फ़ोन को ओपन कर लेना है, और ओपन करके गाइस इसमें जब हमने चार्जिंग एम्पेयर मशीन में इसे प्लगिंग किए तो ये चार्जिंग एम्पेयर मशीन में कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है। तो गाइस इसमें जो प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप जो बनता है, हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है हमें उसे चेक करना होगा, क्योंकि ये एम्पेयर मशीन में कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा है तो फ़ोन में जो प्रॉब्लम हो सकता है वो चार्जिंग कनेक्टर से ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पहले इस फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करके गाइस जो जहाँ पर हमारा चार्जिंग कनेक्टर बैठा हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सब बोर्ड को पहले बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के इसको चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे जो है सारे स्क्रू को मैंने ओपन कर लिया, अभी जो है इसका सब बोर्ड को पहले बाहर निकालता हूँ, और बाहर निकाल के जो है गाइस इसको चेक करता हूँ कि ये चार्जिंग एम्पेयर मशीन में प्लगिंग कर रहे हैं तो ये प्रॉपर 5 वोल्टेज मोबाइल को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं इस सब बोर्ड को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इसमें मिट्टी वगैरह धूल वगैरह लगा हुआ है। तो पहले इसे अच्छी तरीके से क्लीन करता हूँ, और क्लीन करके गाइस इसको चेक करता हूँ वापस क्या पोजीशन है इस चार्जिंग कनेक्टर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें काफ़ी मिट्टी धूल लगा हुआ है, तो इसको पहले अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं, और क्लीन करके इसको चेक करेंगे कि ये हम चार्जिंग कनेक्टर हमारे मोबाइल को 5 वोल्टेज प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास भी डेड कंडीशन के फ़ोन अगर आते रहेंगे तो आपको गाइस इसको जो है चार्जिंग कनेक्टर का सब बोर्ड को पहले बाहर निकाल लेना है, और चार्जिंग कनेक्टर को अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी इसलिए क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी धूल वगैरह लगा हुआ था, इसके कारण भी फ़ोन डेड हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करके गाइस जो इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है ये लूज मोशन लग रहा है मुझे, इसके जो पीछे के पॉइंट है वो लूज लग रहा है, लेकिन ये कंपनी का बैठा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन में जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि ये चलते चलते बंद हो गया, उसके बाद चार्जिंग प्लगिंग किए तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कंपनी का जो ग्लू लगा रहता है, ये ग्लू को पहले निकालना होगा। तो काफ़ी सिंपल होता है, इस ग्लू को आपको किसी नोकीले चीज़ से हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निकल गया है। तो यहाँ पे गाइस मैं इसे रीसोल्डिंग करता हूँ, क्योंकि ये लूज मोशन लग रहा है, यहाँ पर लूज है पूरा कनेक्टर, ये इससे भी डेड हो सकते हैं फ़ोन। अधिक करके फ़ोनों में जो प्रॉब्लम आता है वो तो चार्जिंग कनेक्टर को जैसे ही आता है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले इसे रीसोल्डिंग करता हूँ, और रीसोल्डिंग करके चेक करता हूँ ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि ये चार्जिंग कनेक्टर तो पूरी तरीके से फ्रेश है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह लगा था जो मैंने इसे आईपी से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया हूँ। अभी यहाँ पर हल्का सा पेस्ट लगा के पीछे की तरफ से इसे रीसोल्डिंग कर देंगे, और देखते ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास भी डेड फ़ोन आते रहेंगे तो आपको चार्जिंग कनेक्टर को चेक कर लेना है, और चेक करके अगर वो ख़राब है तो उसे रिप्लेसमेंट कर देना है। अगर वो चेक करने के लिए गाइस आपको चार्जिंग प्लगिंग करके आपको यहाँ पीछे जो 5 पॉइंट रहता है वहाँ पे गाइस आपको चेक करना है 5 वोल्टेज प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कम भी देता रहेगा तो गाइस ये फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर गाइस ये एम्पेयर मशीन में मैंने प्लगिंग किया था तो यहाँ पे कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा था, ये 0 एम्पेयर पे था, ये फ़ोन पूरी तरीके से डेड था। तो मैंने इस फ़ोन को ओपन किया, चार्जिंग के सब बोर्ड को चेक किया, तो इसमें जो चार्जिंग कनेक्टर था वो हमारा लूज था, जिसके कारण ये लग रहा था फ़ोन डेड है। तो यहाँ पर मैं इसे रीसोल्डिंग कर दिया हूँ, अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया हूँ,
अभी जो है मैं इसे अच्छी तरीके से फिटिंग करके चेक करता हूँ ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ। इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आप रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चार्जिंग कनेक्टर लूज होने के कारण ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, इसलिए ये डेड था। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से रीसोल्डिंग कर दिया हूँ, सफ़ा कर दिया हूँ। अभी जो इसे फिटिंग करके चेक करके आप लोग को देखते हैं ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे पहले इसके स्ट्रिप को अच्छी तरीके से बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसे चार्जिंग प्लगिंग करके एम्पेयर मशीन में चेक करते हैं कि ये कोई एम्पेयर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन अभी एम्पेयर ले लिया है, पहले ये कोई भी एम्पेयर नहीं ले रहा था। तो देख सकते हैं इसका चार्जिंग का लोगो भी डिस्प्ले में हमारे शो कर दिया है। तो गाइस ये फ़ोन में जो प्रॉब्लम था वो हमारा चार्जिंग कनेक्टर लूज होने के कारण जो है ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये डेड कंडीशन में था। तो यहाँ पे गाइस मैंने फ़ोन को ओपन किया, ओपन करके गाइस चार्जिंग के सब बोर्ड को बाहर निकाल के चेक किया, इसका जो चार्जिंग कनेक्टर था वो लूज था, तो वो गाइस फ़ोन को चार्ज नहीं कर रहा था, इसके कारण ये फ़ोन डेड था। तो यहाँ पे खाली मैंने चार्जिंग कनेक्टर को रीसोल्डिंग किया और ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। तो गाइस मैं आप लोगों को कम्प्लीट फ़ोन चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि रियलमी के फ़ोन जो है चालू होने में थोड़ा सा टाइमिंग लेता है, एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी हो वो फ़ोन चालू होने में थोड़ा सा वहाँ पे टाइमिंग लेता है। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन कंप्लीट मेरा भी चालू हो गया है। गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस तरह डेली आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।